अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए होंगे और खुश होंगे और मेरी रेमेडी को ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप जहां कहीं भी रहें और आपके ज़िंदगी में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी हो और चाहे वो छोटी से छोटी परेशानी हो, अल्लाह ताला उसे अपनी रहमत से दूर कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोगों का इस्तकबाल है मेरे चैनल पे, वेलकम है, स्वागत है। तो चलते हैं मेन बात की तरफ। और आज मेरी वीडियो खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने मुझे बहुत सारे कमेंट मेरे पास इस तरह से आ रहे हैं कि मैंने कोई क्रीम लगा लिया था उसकी वजह से मेरा फेस जो है वो बर्न हो गया। ठीक है, बहुत सारे आ रहे हैं और ऐसे ज़्यादातर जो है ना लड़कों के आते हैं इस तरह से कि मैंने क्रीम लगा लिया था और मेरा फेस जल गया। और बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो मेरी दोस्त हैं, मेरी बहन है, उनके साथ भी ऐसा सब कुछ हो गया है कि उन्होंने कोई क्रीम अप्लाई किया था और फेस उनका जो है वो बर्न हो गया, उसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन हो गया। ठीक है, इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोग कोई भी चीज़ बिना सोचे समझे फेस के ऊपर अप्लाई मत कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि फेस जो है ना वो हमारी आइडेंटिटी है और फेस जो है ना फेस हमारी पहचान है, फेस से हमें लोग पहचानते हैं, फेस हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो फेस के ऊपर कुछ भी अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा सोचिए समझिए और उसके बाद आप उसको यूज़ कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी ने कुछ भी बता दिया आपको, आप दौड़ के जाते हैं और लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बता दिया ना, जादू की छड़ी कहीं भी नहीं होती है और ऐसा कोई भी नहीं है जो कि 10 दिन के अंदर में आपको ऐसा बना देगा वैसा बना देगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले ये बात समझनी होगी, जो सारी रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये नेचुरल है। ठीक है, नेचुरल रेमेडी है जो कि हम खाने में यूज़ कर सकते हैं, हम उसे खाते हैं और वो है ना हम बहुत सारी चीज़ों में ना हम डाल के, हम ड्राई फ्रूट जो है वो बहुत सारे खानों के अंदर भी हम ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमें उससे कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है ना, जो फ्लैक्स सीड्स है वो भी हम खाते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए नुकसान नहीं है। ठीक है ना, सैलड हमारे हेल्थ के लिए नुकसान नहीं है। तो ये सारी चीज़ें नेचुरल है, आप बिना रिस्क लिए ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है ना, तो मेरा आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करने का ये मतलब है कि आप लोग है ना इस तरह की बेवकूफ़ी मत कीजिए। ठीक है, आप थोड़ा सा सोचा कीजिए कुछ भी फेस के ऊपर अप्लाई करने से पहले। तो जिनके ये वीडियो खास मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ जिनको इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है। ठीक है ना, तो मैं उनको उनसे ये बताना चाहूँगी कि हमारे फेस के ऊपर ना एक नेचुरल ऑयल निकलता है ना, जिससे हम ऑयली स्किन कहते हैं। ठीक है ना, तो वो ऑयल जो है वो हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, किसी को बहुत ज़्यादा होता है और किसी को ठीक ठाक रहता है नॉर्मल। तो वो जो ऑयल है ना वो ऑयल यूं ही नहीं हमारे फेस पे निकलता है। आप लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें जानने की भी ज़रूरत है कि हमारे फेस पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती क्यों है। ठीक है ना, तो जो हमारे फेस पे ऑयल निकलता है ना वो ऑयल क्या काम करता है, कुछ तो काम करता होगा तभी तो हमारे फेस के ऊपर जो ऑयल है वो निकलता है। ठीक है, तो जिनके ऑयली स्किन होती है और वो कुछ भी मतलब वो उनको बहुत सारी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली भी है तो वो भी प्रॉब्लम देता है, पिंपल्स वगैरह निकल आती है। ठीक है, लेकिन वो जो हमारा ऑयल है ना फेस के ऊपर जो ऑयल निकलता है ना वो हमारे स्किन के ऊपर, हमारे फेस के ऊपर कोई भी दाग धब्बा इस तरीके की हो जाए ना तो वो नेचुरल जो ऑयल है ना वो उसे ठीक करता है। ठीक है, लेकिन जब हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन चेंज होता है तो अनबैलेंस हो जाता है हमारा हार्मोन जो है ना, अगर अनबैलेंस हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी जो फेस के ऊपर जो ऑयल निकलता है ना वो बंद हो जाता है निकलना। ठीक है ना, उसकी वजह से जो हमारी पिगमेंटेशन होती है, झाइयाँ होती है ना वो जल्दी जाती नहीं है, वो बिल्कुल पक जाती है और बिल्कुल चिपक जाती है क्योंकि हमारे फेस है ना बिल्कुल ड्राई हो जाता है और हमारे फेस से ऑयल निकलना बंद हो जाता है। इसीलिए वो जो पिगमेंटेशन है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारे फेस पे रहता है जब तक हमारा हार्मोन बैलेंस जो है वो ठीक ना हो जाए। ठीक है ना,
तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि आप एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज करने का फायदा क्या है? एक्सरसाइज आप करेंगे ना तो स्वेटिंग होगी, यानी कि आपको पसीना निकलेगा। जब आपके फेस से, आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा ना, जो आपकी चर्बी है ना, जो हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो बर्न होती है, यानी कि वो पिघलती है, ठीक है, एक्सरसाइज करने से। तो वो जो पसीने के साथ हमारी स्किन, जब हम बहुत स्वेटिंग होती है ना, उसके बाद हमारा स्किन कैसा हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो एक्सरसाइज करने के लिए मैं इसीलिए आप लोगों को बोलती हूँ, ताकि हमारी बॉडी के अंदर जो नेचुरल, जो हमारी स्किन के ऊपर जो ऑयल होती है ना, वो एक्टिव हो जाए, और उसकी वजह से हमारा जो पिगमेंटेशन है ना, वो जाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो जिनके फेस इस तरह से ख़राब हो गए हैं, उनके लिए मैं एक रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसको यूज़ कीजिए। और आप लोग है ना, सैलेड खाइए, एक्सरसाइज तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारी सब्जियाँ खाइए, खूब सारी हरी सब्जियाँ खाइए, ठीक है, प्रोटीन खाइए। क्या आपका स्किन जो है ना, उसको पूरी पोषण मिलेगी, पूरा खाना मिलेगा ना, जब आपकी स्किन को हर प्रकार का विटामिन मिलेगा ना, जब आपके स्किन को, तो आपका स्किन धीरे 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 ठीक होगा, ठीक है। और मेरे रेमेडी में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपने आज लगा लिया और कल आपका अच्छा हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है और कहीं भी नहीं होता है। जो लोग ऐसा वीडियो बनाते हैं वो झूठ बोलते हैं, ठीक है ना, कि 4 दिन में कुछ भी अच्छा नहीं होता। पिगमेंटेशन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पिगमेंटेशन के लिए एक जिद, एक एम चाहिए होता है कि हमें ये चीज़ करना है, हमें ये करके दिखाना है, ठीक है ना, यूं ही नहीं चला जाता है। तो आप लोगों के साथ इतनी सारी बातें करने का मतलब ही मेरा ये होता है कि आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं सब कुछ समझा पाऊँ, आप लोगों को मोटिवेट कर सकूँ, आप लोगों को टेंशन फ्री कर सकूँ, ठीक है ना। तो हो सके तो आप लोग है ना, थोड़ा सा टेंशन लेना बंद कर दीजिए। अब तो हो गया है ना, तो आप रोने से तो नहीं जा चला जाएगा ना। मैं रो चुकी हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ना रोएं, ठीक है, और अपने आप से एक वादा करें कि मुझे ठीक करना है। हम चाहें ना तो क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इंसान की चाहत के ऊपर हर चीज़ है ना डिपेंड करती है। तो हम अगर ठान लेंगे कि हमें ये काम करना है, तो हम ये कर गुजरेंगे, ठीक है। तो अपने आप से एक वादा कीजिए, रेमेडी आपको इतनी अच्छी अच्छी मैंने बताई है, तो आप वो सारी रेमेडी को फॉलो कीजिए, ठीक है ना। और आप एक्सरसाइज कीजिए। हर वीडियो में मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी, वो सारी चीज़ें आप लोगों को ना लेनी है, ठीक है ना। और जिनके फेस जो है वो बर्न हो चुका है और क्रीम वगैरह से, तो मैं उनके लिए ना ठीक है, मैं एक आप लोगों को रेमेडी शेयर कर रही हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये उल्टा दिख रहा है, तो मैं इसको इस तरह से दिखाती हूँ, नहीं ठीक है, मैं इसकी ना पिक्चर लगा दूंगी, ठीक है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, ये बाय करना है, खरीदना है इसको, ठीक है ना। और ये भी आयुर्वेदिक है, ये इसका कोई नुकसान नहीं है आपके फेस पे। इसे आप जिनको झाइया है ना वो भी लगा सकते हैं, और जिनका क्रीम से या किसी भी तरीके से फेस जो है थोड़ा सा बर्न हो गया है और पिगमेंटेशन हो गई है, वो भी ये यूज़ कर सकते हैं। इसकी पिक्चर जो है वो मैं लगा देती हूँ अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप लोग इसको देखिएगा। और ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको होम्योपैथिक की दुकान में, जो जहाँ पे होम्योपैथिक की जो दवा मिलती है ना, उस दुकान में आप जाएंगे और ये दिखाएंगे कि मुझे ये चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा। इसको लगाना कैसे है, इसको इस तरह से लेना है, और आपको ना इसको फेस के ऊपर पूरा लगा लेना है, ठीक है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको लगा लेना है। मैं लगा के दिखा देती हूँ आपको, ठीक है, इस तरह से आपको लगा लेना है। इससे ना आपको इस तरह से आपको पूरे फेस पे ना लगा लेना है, ठीक है। मुझे आप लोगों को सब कुछ करके ही दिखाना पड़ता है। इस तरह से आप थोड़ा सा थिक लेयर में ना इसको अच्छे से लगाइए, ठीक
ठीक है, और इसको ना 2 मिनट के लिए आप इस तरह से मालिश कीजिए, इस तरह से मसाज कीजिए, आप हल्के हाथों से बिल्कुल इस तरह से आप बिल्कुल मसाज कीजिए, ठीक है। तो आपको इसको इस तरह से ना मसाज करना है और छोड़ देना है इस तरह से, ठीक है ना। पूरे फेस पे लगा लीजिए इस तरह से। हाँ इस तरह से आप लगा लीजिए फेस को, और फेस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे हम इसी तरीके से, छोड़ दीजिए अपने फेस को, इसको धोना नहीं है और बिल्कुल भी नहीं। और रात में ना आप दिन में 2 बार लगा लीजिए और रात में 1 बार लगा के आप सो जाइए इसको, ठीक है। इसको लगाने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी रेमेडी बता रही हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हूँ ना कि शायद ही आपको कहीं मिलने वाली है। और ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आयुर्वेदिक बता रही हूँ, जिसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। आपके फेस को सिर्फ ये ग्लो ही करने वाला है और कुछ भी नहीं। इससे आपकी जिनकी भी क्रीम की वजह से जिसका फेस है जो डैमेज हो चुका है वो ये लगाना है उनको, और जिनको पिगमेंटेशन है ना झाइयाँ वो भी ये लगा सकते हैं, ठीक है। आप दोनों भी ये क्रीम जो है ये लगा सकते हैं। होम्योपैथी की दुकान में जाइए, आप उनको बताइए और आप ये बाय कीजिए, ठीक है। आप ढेर सारा खरीद लीजिए और 2-3 खरीद लीजिए ताकि आपको सस्ता पड़े, ज़्यादा लेने से सस्ता पड़ता है, ठीक है ना। तो जहाँ पे होम्योपैथी की दवा मिलती है आप वहाँ से जाके लीजिए। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि 10 दिन में ही चला जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि 10 दिन में भी चला जाए, ठीक है, लेकिन आप है ना इसको कंटिन्यू, अगर इसको लाइफ टाइम भी आप यूज़ करेंगे ना तो ये आपका फेस है ना इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान आपके फेस पे बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए मैंने ये आपको इस तरह से लगा के भी दिखाया है, ठीक है ना। तो आप इसे लगाइए अच्छे से और फिर पानी से आप धो लीजिएगा, जैसे रात में आप लगा के सो जाइए, फिर मॉर्निंग में आप सादा पानी के साथ वॉश कर लीजिए, ठीक है। साथ में सैलेड, एक्सरसाइज और मेरी रेमेडी जो है उसको फॉलो भी करते रहिए ताकि जो आपकी स्किन है ना वो जिंदा हो जाए, ठीक है ना। क्योंकि हमारा स्किन जो है ना वो बिल्कुल डैमेज हो चुका होता है अंदर से। हमारी स्किन के बहुत सारे लेयर होते हैं जिसमें ना कुछ जो होते हैं ना वो बहुत डीप तक चले जाते हैं। मेरा जो है ना केस बहुत डीप तक चला गया था, ठीक है, इसीलिए मुझे बहुत सारा टाइम लग गया और बहुत मेहनत किया मैंने ठीक करने के लिए, तो ठीक हो गया ना। तो इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कि कोई जादू की छड़ी नहीं घूमती है, आप लोग है ना सब्र रखिए, रोना धोना बंद कर दीजिए और आप है ना पूरा अपना जो ध्यान है ना वो अपनी रेमेडी के ऊपर लगाइए, अपने पिगमेंटेशन को ठीक करने पे लगाइए, ठीक है। और ठीक होगा जब मैं आपको बोल रही हूँ, मैं हर चीज़ आपको लगा के अप्लाई करके फेस के ऊपर दिखा रही हूँ ना, हर चीज़ लगाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अब मत रोना आप ये यूज़ करो और मैं आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी रेमेडी शेयर करूँगी जो कि आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, ठीक है ना। तो आप इसको लगाना मत भूलिए, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अच्छे से लगा देती हूँ क्योंकि ये कैमरे के अंदर उल्टा दिख रहा है, तो ऐसे सीधा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सीधा, तो मैं इसको सीधा लेके ना लगा दूँगी पिक्चर, ठीक है, तो ताकि आप लोग को आसानी हो। और इसको देखिए ना ये बिल्कुल इस तरह से इसको लगाना है, इस तरह से इसको एक फिंगर की मदद से इस तरह से हल्के हाथों से मसाज करना है, ठीक है। मैंने बहुत फेस वॉश और क्या बोलते हैं फेस वॉश और सनस्क्रीन मैंने ऑलरेडी शेयर किया है वीडियो में, लेकिन मैं कल की वीडियो में ना फिर से एक बार आप लोगों के साथ ना वो शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को ना समझ में आए और आसान हो, ठीक है। तो आप लोग कल की वीडियो ज़रूर से देखना, ठीक है ना। तो इस तरह से लगाइए, रोइए मत, टेंशन मत लीजिए अपने, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपना कॉन्फिडेंट लेवल है ना बिल्कुल हाई रखिए और पॉजिटिव हो जाइए कि नहीं बिल्कुल ठीक होगा, क्यों नहीं ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा। और कोई चीज़ नहीं है जो हम अपनी मेहनत से अपनी लगन से नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे और मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी
अच्छी तरीके से गाइड करती हूँ। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ भी हो, तो आप क्या करो, आप है ना कमेंट में, आपको मैंने बोला है मैं आपकी आपसे अलग नहीं हूँ, बिल्कुल आपसे अलग हूँ मैं नहीं ना, मैं आपकी दोस्त हूँ, आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, है ना, जिसकी मैं जो भी लगती हूँ आप वो समझ के लिख लीजिए, लिखिए कमेंट में, अपने दिल की बात कीजिए, अपने दिल को हल्का कीजिए, रोइए मत, ठीक है। आप लोग रोते हैं और इस तरह से बोलते हैं कि मैं रो रही हूँ, बहुत दुखी हूँ, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है ना। तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप लोग हंसिए, मुस्कुराइए और अपने दिल की बात अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो आप लिख दीजिए, ठीक है। इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूँगी, ठीक है ना। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।